Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. राज्य के विभिन्न जिलों में हश फायरिंग की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। शादी समारोह, तिलक समारोह, चुनाव में जीत, जन्मदिन उत्सव और पार्टियों में हश फायरिंग की घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो थाना भावनपुर के जय भीम नगर का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक अपने परिवार के सदस्यों से फायरिंग कराता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, युवक दोनाली बंदूक से अपने भाई बहन और माँ से फायरिंग करा रहा है। घर की छत से दोनाली बंदूक से की गई कई राउंड फायरिंग रंगबाजी के लिए स्टेटस पर लगाई गई, जिसके बाद वीडियो वायरल हो गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें, हर्ष फायरिंग और उस वजह से होने वाली मौतों पर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया था। हर्ष फायरिंग करने वालों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस मुख्यालय से एडीजी ने जिलों के एसपी को निर्देश दिए थे कि हर्ष फायरिंग में कोई घायल ना भी हो तब भी फायरिंग करने वालों के विरुद्ध केस दर्ज करें। उन्होंने हर्ष फायरिंग करने वालों पर शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 25(9) के तहत केस दर्ज करने को कहा था। अब देखना ये होगा, ये जो वीडियो वायरल हो रही है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।